हमारे देश में अभी भी 60% से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, यानी कि गांव हमारी जड़ें हैं और अगर जड़ें मजबूत हों तो देश अपने आप मजबूत होता है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम शुरू किया गया, बैक टू विलेज यानी चलो गांव की ओर, जिसके तहत यहां की 4483 पंचायतों में जाकर सरकारी अफसरों ने पूछा कि किस तरह से यहाँ पर आधारभूत नीतियों को मजबूत किया जाए, आम लोगों की समस्याएं क्या हैं, जो नीतियां बनाई गई हैं वो उन तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, अगर नहीं पहुंच रही हैं तो उसकी वजह क्या है, अगर भ्रष्टाचार है तो कैसे किया जाए उस पर प्रहार। इसी के तहत हमने भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जाना कि किस तरह से लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है, किस तरह से आम आदमी का विश्वास मजबूत हुआ है और किस तरह से विकास का चक्का पक्का करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर में पंचायतों और पंचायती राज को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बैक टू विलेज कार्यक्रम 20 जून से शुरू किया गया। इस दौरान विभिन्न पंचायतों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न अधिकारियों ने सरपंचों सहित ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, फिर अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। जो हमारा कार्यक्रम था बैक टू विलेज, इतना सक्सेसफुल हुआ है कि हम अंदाज ही नहीं कर सकते थे। लोग गांव में, लोगों ने कहा कि साहब 70 साल में हमने पहली बार अफसरों को देखा है। हम जाते थे, हमारी कभी भेंट नहीं होती थी, हमें घुसने नहीं दिया जाता था, आज ये हमारे दरवाजे पे आए हैं, तो बहुत खुशी का सब लोगों ने इजहार किया और लोग बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात से कि अफसर हमारे घर चल के आए जिनको हम ढूंढने श्रीनगर जाया करते थे। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और आने वाले दिनों में हम इसको बढ़ाएंगे और जो गरीब से गरीब तबका है देहात का उसको छुएंगे। 20 जून से शुरू हुए बैक टू विलेज कार्यक्रम का मकसद राज्य के सभी गांवों की तस्वीर बदलने का है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी निर्धारित पंचायतों में 2 दिन और 1 रात तक रुके, लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को जाना, समझा और फिर उनका लेखा जोखा बनाकर समाधान का रास्ता तैयार किया। अवामुन्नास से मेरी ये गुजारिश ये है कि मैं अभी आपके सामने बोल रहा था कि बहुत सारी स्कीम्स है, लोगों को अभी अवेयर नहीं उन स्कीम, कम से कम अगर उन स्कीम्स से अवेयर हो जाए और उसके बाद उन स्कीम्स में से साथ जुड़ जाए तो यही मकसद इसका। और गांव में जो भी हमारी जो जरूरियात है, जो मुख्तलिफ जो महकमा जात की जरूरियात है, उनको देख के हम ये बताएंगे कि कम से कम कहां पर हमारी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत है। ग्रामीणों का मानना है कि इससे हमारे गांव की हर समस्या का हल होगा। वहीं पंचायत के सदस्य भी काफी खुश हैं। वे कहते हैं कि पंचायतें सशक्त होंगी तो विकास की धारा अपने आप बहेगी। डीडी न्यूज की टीम भी सबसे पहले दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के एक गांव में पहुंची। अनंतनाग जिला कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, काफी समृद्ध जिला माना जाता है और वास्तव में कश्मीर की व्यवसायिक राजधानी अनंतनाग को माना जाता है। कई मामलों के लिए अनंतनाग प्रसिद्ध है, लेकिन क्या कुछ स्थिति है यहाँ पर गांव की और बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत यहाँ के रहने वालों ने किस तरह की मांगे उठाई, किस तरह से उन्हें सुना गया, आश्वासन दिया गया, यही जायजा लेंगे अनंतनाग के औंग हल्के से। अनंतनाग के ये ग्रामीण बहुत खुश हैं क्योंकि ये कहते हैं कि अब सारी योजनाओं में हमसे परामर्श लिया जा रहा है। अनंतनाग के आंग हलके के बुजुर्ग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ की जो भी समस्याएं होती हैं लोग इन्हीं से राय मशवरा करते हैं। बैक टू विलेज के तहत क्या क्या समस्याएं यहाँ की उन्होंने ऑफिशियल्स के सामने उठाई, यही उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत जब यहाँ पर सरकारी अमला यहाँ पर आया, जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आए, तो आपको ये कदम कैसा लगा सर? एक बात मैं कहता, पहले हम शुक्रगुजार आप यहाँ आएगा, अगर कोई काम बन गया आज ही बनेगा, बार बार आता है, कल बनाता है, यही काम देता है, हो देता कुछ नहीं। आज हम बहुत पसंद आया, आज हम खुश हो गए, आज यहाँ काम बनता है। कौन कौन सी बातें आपने उनसे कहा कि यहाँ होनी चाहिए? यहाँ कोई बिजली का मसला, पानी का मसला, आपको वो ड्रेन इरिगेशन लाइन वो भी मसला है, रोड भी मसला है, यहाँ बहुत मसला है, यहाँ फ्लड एरिया है,
यहाँ बहुत खतरा बार बार आता है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि जितनी मजबूती के साथ स्टेप उठाया गया, जितनी मजबूती के साथ ये लोग आए हैं, तो आपको उम्मीद बंधी है कि ये काम हो जाए? हम उम्मीद है आज अगर तू यहाँ आएगा कोई कदम उठाएगा तो आप। ये कहते हैं कि अब हमसे पूछा जाता है कि क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित योजनाएं यहाँ पर लागू हुई हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उसकी वजह क्या है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है जिससे कि सभी तक इसका फायदा पहुंचाया जा सके। हमने उनको ये डिमांड की है कि बीज अच्छा होना चाहिए जिससे शाली ज्यादा हो जाए, किसान खुद भी खाए और पैसे के लिए कुछ भेजे भी। हाँ, बैक टू विलेज प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अगर ये कामयाब हो जाएगा तो गांव का जो मसला होता है वो खुद गवर्नमेंट ने ऐसे ऑफिसर भेजे हैं कि जो हम गवर्नमेंट के पास खुद उतना मसला नहीं उठा पाते हैं जितना वो खुद गांव के ओर कदम उठाए उन्होंने। हम फिर यहाँ पर उन्होंने सब कुछ सुना। और यही नहीं, अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो किस तरह से उस पर प्रहार किया जाए जिससे कि आम आदमी के विकास के लिए एक नई राह तैयार की जा सके। इसके अलावा इनसे लंबे समय से आ रही समस्याओं के बारे में भी पूछा जा रहा है। ये कहते हैं कि अगर इसी रफ्तार से काम हुआ तो जल्दी ही हमारे गांव तरक्की की राह पकड़ेंगे। ये बैक टू विलेज जो इधर आया ना, जो सर यहाँ आया निसार अहमद गनई, उसने हमको बहुत उम्मीद दी कि हमने बहुत डिमांडें रखे उसके पास, हमें उम्मीद है कि ये डिमांडें हमारे सारी पूरी हो जाएंगी। दरअसल इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर बन रही सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को हर गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। अधिकारियों ने पंचायत के पंचों और सरपंचों के साथ बैठक तो की ही, उनसे ये भी जाना कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन उनके गाँव में किस सीमा तक हो पा रहा है। इसके अलावा महिला सभाओं का भी आयोजन किया गया ताकि महिलाओं और बच्चों से संबंधित समस्याओं का भी निराकरण हो सके। इन सभाओं और बैठकों के दौरान अधिकारियों ने आंकड़े तो जमा किए ही, उन कठिनाइयों को भी जानने की कोशिश की जिसकी वजह से योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाती हैं। अधिकारियों को इसके लिए 20 पेज की एक बुकलेट दी गई जिससे वे कुछ सवालों के आधार पर बुकलेट में डेटा भर पाए। इसके बाद अधिकारी इन प्रमुख समस्याओं के निराकरण के लिए प्रमुखता से काम करने लगे। इसके लिए राज्य के सभी विभागों से समन्वय बनाया गया है जिससे कि जिस विभाग के अंतर्गत जो समस्या आएगी उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अनंतता के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कुपवाड़ा। इस वक्त हम कुपवाड़ा जिले के जुराना गांव में मौजूद हैं, जो कि कुपवाड़ा से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और काफी दूर ये गांव पड़ता है। यहाँ की यही जो 2.5 से 3 किलोमीटर की सड़क है, यही इस गांव को जिले से जोड़ती है, इस गांव को अन्य गांवों से जोड़ती है। तो एक कनेक्टिविटी का कह सकते हैं कि एकमात्र ये माध्यम है। जिस तरह से सरकार आपके द्वार बैक टू विलेज के जरिए यहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि आए हैं और उन्होंने इस सड़क को बनाने का जिम्मा लिया है, तो एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बन सकता है इन लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का। सड़कें जो कि लाइफलाइन कही जाती हैं, यही ये सड़क इन लोगों की लाइफलाइन बन सकती है। न केवल इन लोगों की बल्कि आसपास के जो गांव हैं जो इससे जुड़ते हैं, आसपास के करीब 7-8 गांव को इसका फायदा होगा। वहाँ भी ग्रामीण अंचल में खासा उत्साह दिखा इस कार्यक्रम के प्रति। साथ ही ये लोग आत्मविश्वास से भी भरे हैं कि जो काम अब तक नहीं हो पाया अब वो यहाँ पर होगा क्योंकि सरकार स्वयं आई है उनके द्वार। जुरामा में आना भी पहले भी चाह रहा था और लोगों ने खास जिद की कि मुझे आना चाहिए, तो बहुत सी चीजों के बारे में मुझे मालूम चला। सबसे पहले तो रोड कनेक्टिविटी का थोड़ा सा एक इशू लोगों ने प्रोजेक्ट किया और कुछ इनकम्प्लीट वर्क्स इन्होंने बताया कि पहले से इनकम्प्लीट कुछ वर्क्स हैं यहाँ पर, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के इन्होंने एक बैंक की एक रिक्वायरमेंट पेश की है यहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हमारे ऑफिसर जो यहाँ पर डेजिग्नेटेड हैं वो बात करेंगे इनके साथ भी। और आज क्योंकि पहला ही दिन है बैक टू विलेज का यहाँ इस पंचायत के लिए, और कल दूसरा दिन है जिसमें ग्राम सभा भी होगी, और ग्राम सभा में मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं पंचायत के मुतल्लिक उन सभी के ऊपर बात होगी और एक ऑनेस्ट फीडबैक हम सरकार को दे पाएंगे।
ये आश्वस्त हैं कि आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ जब यहाँ पर्यटन की संभावनाओं को भी बल मिलेगा तो यहाँ ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे कि यहाँ की तस्वीर के साथ साथ तकदीर भी बदल जाएगी। लोगों के लिए बस मेरी यही अपील रहेगी, जिस तरह की पार्टिसिपेशन और जिस तरह का एंथुजियाज्म यहाँ पर आज लोगों ने दिखाया है, सभी जिले की सभी पंचायतों में मेरे को उम्मीद रहेगी कि लोग इसी तरह से उत्सुकता से पार्टिसिपेट करें और एक फीडबैक हमें दें, क्योंकि गवर्नर साहब की यही कोशिश थी कि लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहल की उसके तहत जो एक प्रोग्राम यहाँ हुआ था, उसमें डायरेक्टर प्लानिंग आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत सारे मसाइल लिख के ले गए वहाँ यहाँ से वो, तो उनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा मसला उनके सामने रखा कि हमें रोड नहीं है, हमें रोड चाहिए, रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, जो इनर लिंक्स रोड वो भी नहीं है, और ये जो मेन रोड हमारा जो यहाँ जुरहामा से जुमागढ़ जाता है, जुमागढ़ से जो वहाँ जाता है शारदा टेम्पल, तो वहाँ तक ये रोड बहुत ही ख़राब है, तो अगर ये शारदा टेम्पल तक ये रोड चला जाए तो उससे टूरिज्म बूस्ट होगा, और जो जब टूरिज्म बूस्ट होगा तो उससे विकास होगा और अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे गाँव में समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट वो दूर हो जाएगी। ये धन्यवाद कर रहे हैं सरकार का जिसने इनकी सुध ली, वो भी इनके दरवाजे पर घर घर जाकर। हमारी बनी है सरकार, इंशाल्लाह ये कुछ ना कुछ गवर्नमेंट हल करेगी। जो ये बैक टू विलेज प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने। गांव में हमारे गांव में टीम आई, लोगों से पूछा आपको क्या मसाइल हैं, लोगों के मसाइल लिखे, लोगों ने अपने मसाइल उनके सामने रखे। हमें पावर की बहुत प्रॉब्लम थी, स्टोर की बहुत प्रॉब्लम है, बैंक की बहुत प्रॉब्लम है, वो उन्होंने लिख के ले गए। अब हमें बहुत उम्मीद है इसी पे कि ये प्रोग्राम जो उन्होंने लिखा है ये वहाँ से अप्रूव होकर आएगा, हमें बहुत उम्मीद है इस पे। तो उन्होंने सबसे सब लोगों की राय जानी और मुआयना भी किया क्या इलाके का? हाँ बिल्कुल, वो डोर टू डोर गए, लोगों से पूछा आपको क्या मसाइल हैं, तमाम लोग उनके साथ थे, वो दो दिन लगभग हमारे गाँव में थे, उन्होंने हर किसी से जाना कि आपको क्या मसाइल हैं, लोगों के मसाइल उन्होंने सुने। अब हमें उम्मीद है कि उस पर गौर करेंगे, उसी का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब खुद वो लोग आपके गांव में आ रहे हैं तो आपको समय की, सुरक्षा की और आपके पैसे की कितनी बचत हो रही है? हाँ ये तो बहुत बचत हो रही है। हमें पहले दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, हमें कोई सुनता नहीं था, हमारी बात कोई सुनता नहीं था। अब गवर्नमेंट ने अच्छा सेटअप उठाया, वहीं से हमारे पास अच्छे अफसर भेजे, उन्होंने पूछा आपको किस काम की प्रॉब्लम है, क्या मसाइल हैं, उन्होंने हमें पूरी तरह बेखबर किया कि आपके साथ ये जो कमिटमेंट होगी ये होगी। वास्तव में ये संवेदनशील प्रशासन का दायित्व है कि वो जन समस्याओं को सुने। इसके व्यक्तिगत एवं संस्थागत कार्य में शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कोई समस्या हो तो उसका निराकरण करे, ताकि जन सामान्य हेतु तैयार योजनाओं का लाभ उन्हें मिले और शासन एवं प्रशासन पर विश्वास कायम रह सके। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति ये महसूस कर सके कि शासन उनकी समस्याओं के निराकरण में उनके साथ है और बैक टू विलेज कार्यक्रम में बखूबी इसका ध्यान रखा जा रहा है। बहुत उम्मीद है, हम बड़े खुशी है, हमारी औरतें भी इसमें खुश हैं कि शायद हमारा कुछ विकास अब हो जाएगा, लेकिन आस लगाए बैठे हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि ऐसा हो जाए, गवर्नमेंट ने जो ये कदम उठाया है इस पर वो हर बहरे अमल करें तो हमारी खुशकिस्मती होगी, पूरा इलाका खुश हो जाएगा। कुपवाड़ा के बाद हम रवाना हुए बड़गाम के लिए। डीडी न्यूज की टीम इस वक्त आ पहुंची है बड़गाम के इस गांव, और इस गांव का अगर शाब्दिक अर्थ बताएं तो बहुत ही अच्छा इसका अर्थ है, इसका अर्थ ही होता है अच्छा गांव, और ये एक बेहद अच्छाई का प्रतीक बन चुका है, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल ये गांव माना जाता है लंबे समय से। जब सरकारी प्रतिनिधियों की टीम यहाँ पहुँची तो यहाँ के लोगों ने उनसे क्या कुछ और अच्छे काम की मांग की, क्या कुछ उन्हें आश्वासन मिला, उसके बाद कितने संतुष्ट हैं यहाँ के लोग, आइए जानते हैं, खुद ही उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो सरकार का ये कदम है, सबसे पहले तो इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं, कैसा लगा कि जो सरकार है वो खुद आपके दरवाजे पर चल कर आई? हाँ सर, ये बहुत अच्छा कदम है, लोगों ने इसको बहुत तारीफ की है। जो सरकार खुद लगभग 22 डिपार्टमेंट हमारे गाँव में उस दिन आए थे, उसके प्रतिनिधि आए थे, उसके कुछ हेड्स आए थे, लोगों ने बहुत अच्छा समझा कि मोदी जी का, गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसका रिजल्ट भी आ जाए। लेकिन जो ये बताइए जिस तरह से वो लोग आए, यहाँ पर रुके भी थे गांव में? हाँ सर, ये जो सेक्रेटरी साहब और चार जो अफसर थे वो मेरे घर में रुके थे, वो 24 आवर्स के लिए यहाँ रुके थे, रात को खाना भी यही था, पीना भी यही था, सोना भी यही था। आप ये बताइए कि जिस तरह से 24 घंटे आपके पास वो रुके और आपकी समस्याओं को उन्होंने महसूस किया, मतलब ऐसा नहीं कि आपसे सुन के चले गए, आपकी समस्याओं को जा जाकर उन्होंने वहाँ पर देखा, तो ये किस तरह का जो आम लोग हैं
है ना, या आप ही के अंदर है, किस तरह का एक विश्वास जगाता है सरकार के लिए कि सरकार खुद आपके पास आ रही है, आपकी बात सुन रही है, उसको महसूस कर? सर मुझे लगता है कि कश्मीर की हिस्ट्री में पहले दफा आज लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर एक सरकार है, पहले दफा लगता है, और आज लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है लोग, खासकर आज के सिस्टम में लोग बहुत खुश है कि लोगों की काम होगी। आज हर अफसर हर मुलाजिम ये समझता है कि मुझे काम करनी है, और लोगों को भी, मैंने अभी एक्सपीरियंस तब से ये हुआ कि जो भी लोग हमारे इस वक्त दफ्तर में जाते हैं रेस्पॉन्ड होता है, आज बड़ा रेस्पॉन्ड होता है। मैं इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुबारक करता हूँ। किस तरह से उनका आश्वासन आपको मिला, किस तरह की उम्मीद अब लगी है? मोदी जी के वजह से लगता है कि होगा, नहीं तो नहीं, मुमकिन मोदी जी है तो मुमकिन है, और हमारे सत्यपाल जी यहाँ जो गवर्नर है ये भी है तो मुमकिन है, क्योंकि अभी लगता है कि इनकी वजह से हर काम होगी। अनंतनाग और कुलगाम की तरह ही बड़गाम में भी आमजन ने इस कार्यक्रम को सिर आंखों पर लिया। ये लोग खुश हैं कि सरकार जनहित में ऐसे कदम उठा रही है जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। अब उन्हें कोई शक नहीं कि इनके सपने पूरे होंगे। ये बहुत जरूरी है, हम चाहते हैं मतलब 2-3 महीनों में एक बार तो होना चाहिए ये, जिससे हमें पता चले हमारी जो डिमांड है उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब सरकार स्वयं इनके पास आकर इनके मन की थाह ले रही है, आश्वासन दे रही है कि कैसे आमदनी बढ़ाई जाए, और इसके रास्ते भी निकाल रही है। पहली बार दिस हैज बीन इनिशिएटेड कि बैक टू विलेज प्रोग्राम की वजह से आस्किंग अस कि आपको क्या जरूरत है, दिस इज रियली अ वेरी नाइस स्टेप, वी अप्रिशिएट इट, एंड इट इज सो नाइस टू हैव यू हियर कि कोई हमारे को पूछ रहा है आपको क्या जरूरत है, इट्स रियली अ वेरी नाइस। अनंतनाग, कुपवाड़ा और बड़गाम के बाद डीडी न्यूज की टीम पहुंची गांदरबल भी। गांदरबल में भी जब सरकारी अफसरों की टीम ने यहां का दौरा किया तो सरपंचों के साथ साथ ग्रामवासियों ने भी दिल खोलकर उनका स्वागत किया। उत्तर, दक्षिण और पूरब के बाद इस वक्त हम हैं जम्मू कश्मीर के मध्य इलाके में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांदरबल की। बेहद खूबसूरत ये इलाका है। गांदरबल की अगर बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों से ये परिपूर्ण है, चाहे यहाँ की वाटर बॉडीज हो, चाहे यहाँ की हरियाली हो, बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और यही प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन इस इलाके को बहुत ही उपजाऊ बना देते हैं, और बहुत सी उपयोगी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, उगाई जा सकती हैं। और जब सरकारी अफसरों ने इस इलाके की पंचायतों का दौरा किया तो यहाँ के लोगों ने अन्य जो उनकी आधारभूत सुविधाएं हैं उसके साथ साथ किस तरह से इस इलाके के जो उपजाऊ पोटेंशियल है, जो उर्वरा शक्ति है, उसका भरपूर उपयोग किया जाए, किस तरह से हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से नई फसलें लाई जाएं, किस तरह से उत्पादन को बढ़ाया जाए, इसी चीज को प्रमुख रूप से अपनी मांगों में शामिल किया। गांदरबल के ग्रामीण अंचल में भी विश्वास की एक नई बयार दिखी, आस की एक नई किरण खिली। बैक टू विलेज प्रोग्राम जो शुरू हुआ था ये 20 तारीख से 27 तारीख तक होना था, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में 126 पंचायत हल्के थे। हमारा ये प्रोग्राम जो एक हफ्ते का था बैक टू विलेज, ये बहुत सक्सेसफुली चला, बहुत अच्छी तरह, और पूरे नुक एंड कॉर्नर पे जो डिस्ट्रिक्ट के हैं सब लोगों ने इसको सराहाया। इवन हमारे स्टेट के जो लोग हैं, हर एक कोने से इसकी ये तारीफ की गई। तो और हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक नए शगुन है, अभी आपने देखा कि जो हमने आज ये कंक्लूडिंग सेरेमनी हम जो करने गए इस प्रोग्राम की कंक्लूडिंग सेरेमनी, इसमें हमने प्लांट की ट्रीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्लांट की गई ट्रीज, इसमें हमारे विजिटिंग ऑफिसर साहिबान और PRIs के जो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, हम सब ने प्लांट्स लगाकर इस प्रोग्राम को आज कंक्लूड किया। ये लोग कहते हैं कि अगर यहाँ के इलाकों में छिपी अपार संभावनाओं को खंगाल कर उनका दोहन किया जाए तो यहाँ की धरती सोना उगलेगी। बैक टू विलेज जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, खास तौर पर जो हमारे गवर्नर माननीय गवर्नर जी ने किया था, बहुत अच्छा रहा, और उसका बड़ा अच्छा हमको रिस्पॉन्ड मिला। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमिश्नर को गांव में कुर्सियां नहीं होती है, गांव एकदम बिखरा हुआ होता है, एक गाँव के बीच में एक कमिश्नर सेक्रेटरी तरपाल के ऊपर बैठा, यह सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है, यहाँ हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा ना पोटेंशियल है, लेकिन हमने यही डिमांड दी थी कि यहाँ जो अखरोट है या जो अखरोट का जो है ना ये अभी पैदावार है वो अदर डिस्ट्रिक्ट से कुछ डिफरेंट है। हम चाहते हैं कि यहाँ एक नए सिरे से एक प्लांटेशन हो, नए सिरे से यहाँ ये हो, अच्छी वैरायटी हमें मिले,
क्योंकि यहाँ बादाम नहीं है, यहाँ ज़रा अखरोट है और सेब है, लेकिन यहाँ लोगों के पास अभी ये अवेयरनेस नहीं है कि क्या क्या चीज़ें इनको चाहिए। उस चीज़ के लिए हमको एक चाहते हैं कि एक नए सिरे से बैक टू विलेज हो, सिर्फ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए। आज पहली बार हमने देखा कि गांव में कोई कमिश्नर आया है, ये पहली बार ऐसा हुआ। और हम सारे सरपंच साहिबान जितने भी, मैं एक एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल अध्यक्ष होने के नाते इसको मुबारकबाद अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसा दोबारा भी हो। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है पंचायतों को ऊर्जावान बनाना, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के वितरण पर प्रतिक्रिया एकत्र करना, विशिष्ट आर्थिक क्षमता पर ध्यान देना, गांव की जरूरतों का आकलन करना और क्षेत्रों में समान विकास के मिशन को पूरा करना। और भारत जैसे देश में जहां अभी भी अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वहां पंचायतों की मजबूती का महत्व अपने आप में स्वयं सिद्ध है। तो बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत सरकारी अमले के साथ साथ डीडी न्यूज की टीम ने भी अनंतनाग, कुपवाड़ा, बड़गाम, गांधरबल से लेकर कोने कोने तक जम्मू कश्मीर का दौरा किया, वहां पर जाना कि किस तरह से लोगों के विचार हैं, किस तरह से लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। और यही बात निकल कर आई कि किस तरह से राज्य की पंचायतों को मजबूत किया जाए, ऊर्जान्वित किया जाए, आर्थिक संभावनाएं हर कोने में क्या है उसको खंगाला जाए, हर गांव में क्या कुछ पोटेंशियल है उसको कैसे उभार के निकाला जाए, इसके अलावा क्या कुछ लोग सोचते हैं कि किस तरह की नई ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे कि जो उनकी नई संभावनाएं हैं उनके लिए उसके द्वार खुलें, इसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को विकास के पथ पर आने से रोक रही हैं उन पर भी लगाम लगाई जाए, और सबसे बड़ी बात इसमें लोगों को शामिल किया जाए, जो आम लोग हैं, जो सरकार का एक और कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार, उसके साथ लोगों के साथ ऐसा कनेक्ट बनाया जाए जिससे कि उन्हें विश्वास हो कि सरकार उनके लिए है, उनके द्वारा है और उनके द्वारा ही संचालित की जाएगी। लोकतंत्र की सही परिभाषा किस तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाए, किस तरह से क्रियान्वित किए जाए, इसका पूरा खाका इस कार्यक्रम में यहाँ पर खींचा गया है।